नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले एक नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में, जो कि बम्पर वैकेंसी यहां पर रहने वाली है और NHM यूपी के द्वारा यहां पर रिक्रूट किया गया है। टोटल वैकेंसी की लगभग यहां पर 17,000 के समथिंग वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें से नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी की अगर बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर की लगभग 10,000 वैकेंसी यहां पर आपके लिए रहने वाली है, जिसमें ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या टर्म कंडीशंस रहने वाली है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या टर्म कंडीशंस रहने वाली है, फीस कितना है, सैलरी पैकेज कितना रहने वाला है और आपकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ पे होने वाली है, पूरा डिटेल्स मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फिलअप करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी जो है कि NHM यूपी के द्वारा रिक्रूट किया गया है, इस वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसको धीरे धीरे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जिसमें अपडेट का जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके अंदर व्यू ऑल के अंदर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट जो इसका इंटरफेस रहने वाला है वो आप देख सकते हो, अपडेट का जो ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें जो फर्स्ट वैकेंसी है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट फॉर वैकेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन ऑफ द ANM स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन एंड फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें नवंबर 27, 2022 को ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। तो इस पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसमें आप क्लिक करते हो तो आपका जो नेक्स्ट फेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है, जिसमें इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे दी गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 नवंबर 2022 12 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं, क्लोजर डेट इसका ऑनलाइन का लास्ट डेट है 12 दिसंबर 2022 सुबह 12 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, रात को 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। देन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप उसको रीड कर सकते हो। देन इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्री में क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से प्रोसीड करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। देन आपको अगर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो बैक जाना है और इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल जो वैकेंसी है, जो कि एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो और ये इसका ऑनलाइन लिंक है, जिससे कि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे और बात करते हैं पूरा डिटेल्स एक एक पॉइंट के बारे में। इसका वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देख सकते हो कैरियर अपॉर्चुनिटी के अंदर टोटल रिक्रूटमेंट 17,000+ कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें 26 नवंबर 2022 को ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। रिक्रूटमेंट फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज ऑफ ANM स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट के अंडर वैकेंसी है UP NHM के अंडर, जिसमें रेफरेंस नंबर चेक कर सकते हो। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी रहने वाली है NHM UP के अंडर में, जिसमें आप वैकेंसी की अगर डिटेल चेक करो तो NUHM के अंडर देख सकते हो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 684 टोटल वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन की 282 है, ANM की 807 है। देन सेकेंड अगर बात करें DHS की, तो इसके अंदर जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी 913 स्टाफ नर्स, देन 376, फिर स्टाफ नर्स की बात करें 431, देन स्टाफ नर्स 226। सबकी अलग अलग सैलरी है, आप सब में अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, इसमें दिया गया है। मेटरनल जो हेल्थ है इसकी भी स्टाफ नर्स की वैकेंसी 185, देन जो कम्युनिटी प्रोसेस है जिसमें स्टाफ नर्स की 1737 टोटल वैकेंसी है, और RBSK के अंदर देखी जाए तो स्टाफ नर्स की 17 पोस्ट रहने वाली है, और देन चाइल्ड हेल्थ के अंदर देखी जाए तो स्टाफ नर्स की यहाँ पे 1847 टोटल वैकेंसी स्टाफ नर्स की यहाँ पे रहने वाली है। देन नेक्स्ट बात करें 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर यहाँ पे चेक की जाए तो स्टाफ नर्स की 847 टोटल वैकेंसी है। देन फिर नेक्स्ट और बात करते हैं NCD के अंदर, यहाँ पे आपको देखा जाए तो स्टाफ नर्स की 295 टोटल वैकेंसी है, स्टाफ नर्स के NPPC के अंदर 48, स्टाफ नर्स की 290, और ब्लड बैंक के अंदर देखी जाए तो स्टाफ नर्स की 28 वैकेंसी है। तो टोटल सभी वैकेंसी को मिला के बात करें तो यहाँ पे 17,291 जो वैकेंसी है वो यहाँ नर्सिंग ऑफिसर की रहने वाली है, जिसके अंदर अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी भी यहाँ क्या आपकी अच्छी वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है, बट स्टाफ नर्स की देख सकते हो यहाँ पे 19,101 रुपये। देन फिर बात करें स्टाफ नर्स के यहाँ पे DHS के अंदर तो 20,063 रुपये। देन स्टाफ नर्स SDU के लिए बात करें तो 30,000+ जो बेसिक जो आपको रेंट SDU अलाउंसेंस है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो वैकेंसी अच्छी वैकेंसी, लगभग ये 40 से 50,000 के समथिंग आपका यहाँ पे पेमेंट रहने वाला है इस वैकेंसी के अंदर।
तो सभी का अलग अलग पेमेंट आप चेक कर सकते हो, अच्छी वैकेंसी है। नेक्स्ट कुछ टर्म कंडीशंस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है रिजर्वेशन जो है आपको ओनली जो डोमिसल उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट्स है उन्हीं को यहाँ पे मिला जाएगा। देन सेकेंड पॉइंट दिया गया है कैंडिडेट्स नॉट हैविंग डोमिसल ऑफ द उत्तर प्रदेश, जो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से डोमिसल नहीं है उनको अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे काउंट किया जाएगा। मे अप्लाई अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स अदर स्टेट कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना है, और जो फीमेल कैंडिडेट ही एनएम पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकती है, ऐसे भी दिया गया है। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हो, और ऑनलाइन एप्लीकेशन से इसका स्टार्ट है 27 नवंबर 2022 12 बजे से, देन क्लोजर डेट है 12 दिसंबर 2022 रात को 12 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देन इसके अंदर कुछ और भी कंसेशन रखा गया है, जिसमें 0.5% मार्क्स हूँ, कंप्लीट 6 मंथ एक्टिव एंगेजमेंट, देख सकते हो सारा इसमें पॉइंट दिया गया है। मतलब जो कोविड एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा गया है, जो भी यूपीएनएच के अंदर कोविड में ड्यूटी किया है उनका यहाँ पे रखा गया है, कितना कब तक का एक्सपीरियंस आपको काउंट किया जाएगा, आपको एक्सपीरियंस कैसे बनवाना है। मिनिमम अगर क्वालिफिकेशन सीबीटी जो मार्क्स है इसमें देखा जाए तो जनरल और एडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स है उनको 33%, देन ओबीसी को 30%, देन एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स उनको 24% मार्क्स जरूरी है। देन नेक्स्ट कोविड एक्सपीरियंस के बारे में भी दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स है जो एडवाइज्ड है अप्लाई एट द 7 डे प्रायर आपको कोविड एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने कोविड टाइम में ड्यूटी किया है तो आपको एक्सपीरियंस का यहाँ पे बोनस भी दिया जाएगा। तो दिया गया कि ओनली क्यूआर कोड बेस्ड सर्टिफिकेट जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल के आधार पर ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और 7 दिन के अंदर आपको जो कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा यूपीएनएचएम के द्वारा। तो ऐसा इसमें कुछ दिया गया है। असेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए, स्टाफ नर्स का यहाँ पे देख सकते हो, डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ और बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय इंस्टीट्यूट नर्सिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी नर्सेज काउंसिल, मिडवाइफ काउंसिल एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। अपर जो मैक्सिमम एज लिमिट है 18 से 40 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स का हो चुका है। नेक्स्ट एएनएम का भी आप देख सकते हो, जिसमें यहाँ पे 18 से 40 साल के जो कैंडिडेट्स वो अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन का भी यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जो एप्लीकेशन है वो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे नहीं है। सेव और नेक्स्ट करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है कि आपका यहाँ पे सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, देन मेरिट, और उसके बाद में आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। टेस्ट सिटी आपको यहाँ पे मिलने वाला है कि मेजर सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश के अंदर आपका यहाँ पे टेस्ट सिटी मिलने वाला है, कोई से भी मेजर सिटी है यूपी के अंदर वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स का है, और 80 मार्क्स का यहाँ पे आपका प्रोफेशनल जो भी आपका कोर्स है उससे रिलेटेड, और 20% आपका जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होने वाला है। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाला है, जिसमें टोटली 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और 9 नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे होने वाला है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसके लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, 3 गुना जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जिससे कि आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कर दिया जाएगा। तो पूरी डिटेल इसमें दी गई है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अपर एज लिमिट पूरा मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, सिलेबस भी बता दिया है। एप्लीकेशन जो फीस की अगर बात करें तो यहाँ पे 0 फीस रहने वाला है, और सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मैंने आपको बता दिया है, एप्लीकेशन फीस सभी कैंडिडेट्स के लिए 0 यहाँ पे रहने वाली है। कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए, वो भी आपको इसमें रीड कर लेना है, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करो उससे पहले एक बार आपको यहाँ पे देख लेना है। और कुछ इंस्ट्रक्शंस, फोटो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे कि दिया गया कि द सेपरेट लिंक टू बी अपलोडेड, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पासिंग सर्टिफिकेट्स, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, जो भी है आप इसमें सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। फोटोग्राफ का दिया गया कि 200x230 पिक्सल का होना चाहिए, 50 से 80 जो साइज़ है केबी का वो आप इसमें लगा सकते हो।
सिग्नेचर का भी ऐसा ही इसमें दिया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, तो आप इसको रीड कर सकते हो। पूरा डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, कोई भी क्वेरी अगर आपके पास में हो तो आपको हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। बिटवीन द मंडे टू फ्राइडे 10 से 5 बजे तक आपको इसमें हेल्प के लिए कॉल कर सकते हो, या हेल्पलाइन नंबर 104 में कॉल कर सकते हो, या मेल आईडी जो दिया गया है इसमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये थी कंप्लीट वैकेंसी के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें।